संगीत मेंटर चैनल में सभी संगीत प्रेमियों और कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फिल्म मेरे सनम का गाना जाइए आप कहाँ जाएंगे। इसे गाया है आशा भोसले जी ने और इसका संगीत तैयार किया है ओपी नैयर जी ने, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी जी। तो दोस्तों, ये गाने के बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी दे दूँ। ये जो गाना है बहुत ही पॉपुलर है, इसे पियानो हारमोनियम और गिटार पे काफ़ी बजाया जाता है। इसका जो प्रीलीड और इंटरलीड जो म्यूज़िक है बहुत ही पॉपुलर है। और ये जो सॉन्ग है इसका जो टाइमिंग है 1 and 2 and 1 and 2 and, जैसे घोड़ा गाड़ी चलता है उस टाइप का बीट है, 1 and 2 and 1 and 2 and टिक टिक टक, ऐसा इसका बीट आता है, ठीक है। और इसमें ग ध नी कोमल लगेगा, लेकिन एक एक्सीडेंटल नोट लगा है, दैट इज़ शुद्ध ध, ठीक है। ग कोमल है, ध कोमल है और नी कोमल है, लेकिन इसके साथ एक एक्सीडेंटल नोट लगता है, वो है शुद्ध ध, ठीक है। इसका स्केल ये है, देख लीजिए एक बार, सी शार्प माइनर स्केल। तो दोस्तों, संगीत मेंटर चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहे। हर हफ्ते मैं गाने बनाता हूँ इंट्रो म्यूज़िक और प्रीलूड इंटरल्यूड म्यूज़िक के साथ में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने मिलेगा इसमें। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रो म्यूज़िक से। सबसे पहले इंट्रो म्यूज़िक सीख लीजिए, इसका बहुत ही प्यारा है, देखिए। अब मैं इस पीस को एकदम स्लो बजाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट में रुकते हैं तो कॉर्ड ऐसा बजाना है आपको, ये सी शार्प माइनर कॉर्ड है, इसे बजाना है, इस तरह से बजाना है आपको। अगर आप काफी समय से गाना मतलब आप अगर काफी समय से हारमोनियम सीख रहे हैं और आपका हाथ काफी अच्छा इस पे चलता है, तो आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बजाइए। अगर पुराने लोग हैं तो ऐसा बजा सकते हैं क्रेस के साथ। तो आइए अब मुखड़ी की ओर नजर डालते हैं, जाइए आप कहाँ जाएंगे। अब ये प है, इसमें एक तीव्र म भी लगा है, वो भी ध्यान दीजिएगा, प उसके बाद तीव्र म प, ठीक है। तीव्र म ओपनिंग में आता है, बहुत ही स्लो बजा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। Thank you.
फिर से देखना चाहते हो एक बार और प्ले करता हूँ आपके लिए। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये में तीन नोट लगते हैं, ये नजर लौट के आएगी, ये नजर लौट के और एक बार देखिए। तो अब मैं इसके बाद सिखाने जा रहा हूँ आपको फर्स्ट अंतरा। फर्स्ट अंतरा के पहले का जो म्यूजिक है, हाँ, जिसे हम लोग इंटरलीड म्यूजिक कहते हैं, वो सीखिए आप। म्यूजिक दैट इज म्यूजिक वन। ओके, तो उसमें पहले म्यूजिक बजता है, फिर आलाप बजता है, एक के पीछे एक। ये क्या हुआ म्यूजिक, अब आलाप। सेकेंड आलाप। थर्ड आलाप। फिर से देखिए। अगेन अगर आप काफी समय से सीख रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रेस नोट के साथ बजाइए। बाद में कनेक्टिंग म्यूजिक, फिर से ये पूरा म्यूजिक एक बार मैं आपके लिए प्ले करता हूं, अगर कुछ रह गया होगा तो इसमें फिर से आपको समझने मिल जाएगा वन टेक में। Thank you.
अब इसके बाद अंतरा शुरू होता है, आपको प्यार मेरा याद जहां आएगा। फिर से देखिए, आपको प्यार मेरा याद जहां आएगा। अगेन, फिर से देखिए, कोई काटा वही दामन से लिपट जाएगा। दोस्तों अंतरा में एक बार बहुत स्लो प्ले करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप नोटेशन पे भी नजर मारिए। सेकेंड लाइन के लिए सेम नोटेशन। तो दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया ऐसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लेसन में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। अगले लेसन में फिर मिलूँगा आपको एक नए गाने के साथ। थैंक यू सो मच।